मित्रों, मैं शरद जोशी आज आपके सामने कुंडली के अंदर जो प्राथमिकता है बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी और कुंडली में जब भी हम देखते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुंडली के अंदर जब भी हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ नज़र में आती है, जैसे कि कुंडली जैसे हम ड्रॉ करते हैं यहाँ, तो कुंडली में बहुत सारी चीज़ें नज़र में आती है, जैसे कि ग्रह है, भाव है, राशि है, ग्रह के नक्षत्र है और ग्रह की दृष्टि और योगा। लेकिन मैंने मेरे अभ्यास से देखा है कि बहुत सारे ज्योतिष मित्र कहीं से भी शुरुआत कर देते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता है कि कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए कुंडली देखने के लिए। तो मैंने यहाँ साइट पर जो लिखा हुआ है कि कुंडली के अंदर जो प्राथमिकता में देख रहे हैं कि हाउसेस, साइन, प्लैनेट्स, एस्पेक्ट, नक्षत्र वगैरह वगैरह हमें दिखने को आते हैं, लेकिन उसमें से कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए वो एक महत्व की चीज़ बनी रहती है। और उसके लिए हमें देखना चाहिए कि ये जो पॉइंट लिखे हैं उसमें से एक मुद्दा ऐसा है कि जो सबसे अलग हो जाता है। अगर हम देखा जाए कि कुंडली की जब भी हम डेटा लेते हैं, जन्म तारीख, समय और स्थल, तो उसमें से जब भी कुंडली बनाते हैं तो ये चीज़ में एक चीज़ ऐसी है कि जो सबसे अलग हो जाती है। अगर हम स्थल निकाल दें, जन्म तारीख और समय रखें, तो सारी भौगोलिक स्थिति छोड़ के अवकाश परिस्थिति में ग्रह की पोजीशन राशि आदि के साथ, नक्षत्र के साथ, दृष्टि के साथ एक ही बनी रहती है। जब भी हम स्थल का उल्लेख करते हैं तभी उसमें भाव का उल्लेख आता है, और इसके लिए ये सब सारी चीज़ में हाउसेस को छोड़ के ये सारी चीज़ एक अलग हो जाती है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कुंडली के अंदर एंट्री करने के लिए हाउसेस का इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि कुंडली के अंदर हाउस महत्व का हो जाता है। अभी जब हाउस की बात करते हैं तो ये जो कुंडली के रहते हैं हाउसेस का एक रहता है कि जैसे एक रहता है डिपार्टमेंट स्टोर की जैसे, कि हर एक कुंडली के अंदर कहीं भी जाओ तो एक डिपार्टमेंट स्टोर की तरह हर एक हाउसेस की मैटर फिक्स रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन जैसे हाउसेस फिक्स है उसके अंदर जैसे हमने राशि की एंट्री डाली, राशि लगाई, तभी उसका पिक्चर कलर चेंज होते जाते रहे, और जैसे भी ग्रह उसमें एंटर करते गए तो वो सिचुएशन उसमें बदलती जाती है। तो महत्व इम्पोर्टेंस है कि भाव की जो एंट्री है वो महत्व की चीज़ बनी जाती है। अभी जब हम भाव बोलते हैं तो राशि और भाव में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, कि जो लोग खोखा कुंडली यूज़ करते हैं वो लोग समझते हैं कि भाव 30 अंश का ही होता है, जबकि भाव 30 अंश से ज़्यादा और कम हो सकते हैं। और वो उसका जो कारण है कि जन्मस्थल का जो अक्षांश है उसके पर आधार रहता है कि पर्टिकुलर भाव वो टाइम पे 30 अंश से ज़्यादा है या 30 अंश है, 30 से कम भी हो सकता है। तो राशि 30 अंश की हो सकती है, हर एक राशि 30 अंश की है, लेकिन भाव 30 अंश से छोटे बड़े हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है हमारे लिए कुंडली के अंदर भाव। और जब हम भाव की बात करते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ महत्व की हो जाती है कि भाव के अंदर एंट्री करने के लिए सबसे ज़्यादा पॉइंट रहता है कि ये भाव सही है कि गलत, वो कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि हर एक डिग्री पे बहुत सारे प्लैनेट्स रूल करते हैं। अगर वर्ग कुंडली के हिसाब से जाए तो नवमा हाउस रेस्कन के हिसाब से, द्वादश हाउस के हिसाब से, सप्तम हाउस के हिसाब से एक ही डिग्री पे सब सारे ग्रह रूल करते हैं। नक्षत्र के हिसाब से जाए तो एक ही डिग्री पे राशिपति, नक्षत्रपति, उपपति, इसी तरह उपपति रूल करते हैं। तो ये सब चीज़ जो रहती है कि यहाँ जब हम भाव लिखते हैं तो ये सिचुएशन पूरी बदल जाती है। अगर ये पॉइंट में सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ कि मेष का 4 अंश 45 कड़ा और 4 अंश 50 कड़ा, ये दोनों के डिस्टेंस में सिर्फ 5 कड़ा का अंतर है, लेकिन जब ये पॉइंट को हम यहाँ
भाव पे लगाते हैं तो उसकी परिस्थिति बदल जाती है कि ये पॉइंट सही है कि ये पॉइंट सही है, क्योंकि हर एक के ये डिग्री पे तीन ग्रह रूल करते हैं, यहाँ भी तीन ग्रह रूल करते हैं, लेकिन जब इसको देशकाल या नॉमॉस के हिसाब से देखा है तो उसका ग्रह के रूलिंग फैक्टर्स एक ही रहेंगे, लेकिन अगर वो नक्षत्र के हिसाब से या सब उत्पत्ति के हिसाब से जाएंगे तो ये पोजीशन बदल दी जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये भाव वर्कआउट करते हैं तो उसमें कौन सा भाव सही है उसके लिए हमको कैलकुलेशन के हिसाब से देखना चाहिए, और उसमें अगर एरर आती है तो दो तरह की एरर आती है, एक रहती है कैलकुलेशन फैक्टर्स एरर, दूसरी एरर आती है हम जो साधन यूज़ करते हैं वो एरर आती है कि वो गलत हो सकते हैं। कैलकुलेशन एरर में रहता है कि जैसे जो हमें डेटा दिया गया उसमें से हम पूरा आरएमसी वर्कआउट करते हैं, बाद में जो इनहाउस यूज़ करते हैं वो इनहाउस का फैक्टर्स रहता है, बाद में जो टेबल्स ऑफ हाउसेज यूज़ करते हैं, एपमर्स यूज़ करते हैं, वो सब कैलकुलेशन एरर पॉइंट ऑफ व्यू फैक्टर्स में गिना जाता है। जबकि अगर वो सही डेटा पूरा लिया गया और टेबल्स ऑफ हाउसेज, जैसे कि बहुत सारे टेबल्स ऑफ हाउसेज अवेलेबल रहते हैं, जैसे यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं सेमी प्रेसिडेंस आर सिस्टम के हिसाब से यूज़ करते हैं, तो वो हिसाब से अगर दूसरे कोई विद्यार्थी ने टॉपेसेंट्रिक के हिसाब से लिया या रेजिमेंटर्स के हिसाब से ले लिया तो वहाँ उसकी भाव की परिस्थिति अलग हो जाएगी। तो यहाँ एक साधन शुद्धि की कंडीशन आवश्यकता होती है कि हमें कौन सा टेबल्स ऑफ हाउसेस यूज़ करना चाहिए, कौन से एफएमएस यूज़ करनी चाहिए, कौन से इनहाउस यूज़ करना चाहिए, और अगर सही कैलकुलेशंस है तो दोनों का जवाब एक ही आ सकता है। तो ये बात हुई कि हम टेक्निक के बारे में कि जो साधन यूज़ करते हैं, जो कैलकुलेशन यूज़ करते हैं, अगर वो सही मायने पर यूज़ किया तो जवाब एक ही आ सकता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि हम जब ये कोई डेटा लेते हैं कुंडली बनाने के लिए तो वो टाइमिंग जो देते हैं, सपोज अभी बोलते हैं कि अभी 1:25 हुई है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 1:25 कंडीशन में देखा जाए तो शायद 1:22 भी हो सकती है, 1:27 भी हो सकती है, लेकिन वो लोग राउंड ऑफ फिगर दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो टाइम देते हैं वो सही है कि गलत, वो भी अंदाजा लगाना और सही करना ज्योतिष की जवाबदारी हो जाती है। अगर ये सही हम कर सकते हैं जन्म समय की सुधारना, तभी हम ये भाव का वर्किंग सही तरह से ले सकते हैं। ये जो भाव सुधारना की जो परिस्थिति है उसे हमें बहुत सारी मेथड है, वो धीरे धीरे हम आगे देखते जाएंगे, तो ये कंडीशन उसमें आ जाती है भाव के बारे में। दूसरी बात आती है कि प्लैनेट्स के बारे में, ग्रह के बारे में। तो यहाँ एक आज का जो लेक्चर है एक बेसिक के हिसाब से, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए हम लोग सोचते हैं कि ग्रह के बारे में जो मान्यता है सामान्य तौर पे कि कुछ ग्रह जैसे शनि मंगल जैसे ग्रह या राहु जैसे ग्रह या सूर्य जैसे ग्रह हमें जैसे पाप ग्रह गिने जाते हैं, शुक्र गुरु जैसे शुभ ग्रह गिने जाते हैं, लेकिन वो मान्यता गलत है। कोई भी ग्रह संपूर्णतः शुभ या अशुभ नहीं हो सकता, वो हर एक की कुंडली में अलग अलग रोल प्ले करता है, और ग्रह की जो तासीर रहती है वो एक व्यक्ति के लिए एक समय में अच्छा, वही व्यक्ति के लिए दूसरे समय में वो ग्रह बुरा भी रिजल्ट परिणाम दे सकता है। तो उसका जो परिणाम है वो हिसाब से हमको तय करना चाहिए कि जो भी कोई भी ग्रह है, गुरु या है शनि या मंगल, वो शुभ है कि अशुभ है। ऐसा जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये ग्रह मंगल अशुभ ग्रह है या शनि अशुभ ग्रह है, गुरु शुभ ग्रह है, तो वो पॉसिबल नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि ये जो कंडीशन है, एक कुंडली बना लेंगे कि अगर यहाँ हम लोग ले लेते हैं और गुरु मैंने छठे भाव में लिख दिया, हर एक ग्रह की दो तासीर रहती है, एक नैसर्गिक तासीर और दूसरी तासीर रहती है अपनी कुंडली के हिसाब से। गुरु का नैसर्गिक तासीर है कि कोई भी चीज़ को बढ़ावा देना, विकास करना, एक्सपांशन करना। अभी यहाँ देखते हैं कि गुरु छठे भाव में है, और छठे भाव के अंदर हम लोग देखते हैं कि करियर के हिसाब से देखा जाए तो करियर के अंदर उसे बढ़ोतरी मिलती है, प्रमोशन मिलता है, आर्थिक सहयोग मिल जाता है। तो वहाँ गुरु ने एक तरह से शुभ काम किया कि उसे करियर में एक अच्छी तरह से सपोर्ट दे दिया। छठे स्थान में हम रोग के हिसाब से देखते हैं तो रोग के हिसाब से गुरु वहाँ डायबिटीज, लीवर, जॉन्डिस, कैंसर जैसे रोग भी दे सकते हैं। तो वहाँ रोग के तौर पे, शारीरिक तौर पे गुरु ने नकारात्मक काम कर दिया तो गुरु अशुभ हो गया। तो जो एक सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि गुरु शुभ ग्रह देने वाला है, तो यहाँ एक ही कुंडली में गुरु दोनों रोल प्ले कर सकता है, शुभ और अशुभ। करियर के लिए वो शुभ है तो जहाँ
शारीरिक तौर पे वो अशुभ हो सकता है। तो हम ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते कभी कि गुरु हमेशा शुभ ग्रह परिणाम देगा, ऐसी कभी बात नहीं हो सकती। उसी तरह देखा जाए कि यहाँ सपोज मैंने यहाँ लिख दिया मंगल, आठवें स्थान में मंगल दे दिया। सामान्य तौर पे ये देखा जाता है कि मंगल आठवें स्थान में आया, सब लोग सोचते हैं कि यहाँ आकस्मिक मृत्यु हो सकती है, अकस्मात हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। वो एक जनरल स्टेटमेंट है क्योंकि मंगल का जो काम करने का तरीका है वो हिसाब से हम लोग ये सोचते हैं। तो अगर कुंडली के अंदर जैसे कि मंगल आठवें स्थान में आएगा तो हम जनरली बोल देते हैं कि अकस्मात आकस्मिक मृत्यु की संभावना कंडीशन आ सकती है, ये उसकी तासीर है। लेकिन अगर किसी को बारिश में प्रॉपर्टी मिल जाती है तो मंगल वहाँ शुभ काम कर जाता है। ये मंगल स्त्री की कुंडली में मंगल स्थान के हिसाब से भी गिना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मंगल यहाँ जो कंडीशन आती है, अगर तो किसी को प्रॉपर्टी मिल गई तो मंगल उसके लिए शुभ हो गया, तो वहाँ मंगल अशुभ काम नहीं किया। तो ये जो शुभ अशुभ की जो तासीर है ग्रह की, वो भी वहाँ ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन सा ग्रह किसी ग्राउंड पे कभी शुभ हो सकता है, कभी अशुभ हो सकता है। दूसरा उदाहरण के तौर पे सपोज जैसे कि हमारा ये दूसरा स्थान धन स्थान है, उसी तरह सामने वाले व्यक्ति का ये धन स्थान हो जाता है। तो पूरी कुंडली के अंदर ये लग्न के अंदर हम खुद है और जिसके साथ हम समाज के साथ कोई व्यक्ति के साथ जो भी हम डील करते हैं वो सातवें स्थान में आ जाता है। तो ये हमारा जैसे धन स्थान है उसी तरह ये दूसरे का धन स्थान रहता है। सपोज हमने किसी को पैसा दिया हुआ है और वो आदमी हमको पैसा लौटा नहीं रहा है, कुछ भी करो हमको पैसा लौटा नहीं रहा है, तो वहाँ पड़ा हुआ मंगल आपको एक सोच देती है कि मुझे मंगल का उपयोग करना चाहिए। मंगल का जो काम है जबरदस्ती से या पुलिस या मिलिट्री पर्सन के लेके जो जोरावर है उससे हम लोग काम करवा सकते हैं। तो हम अगर उसको अप्रोच करते हैं कि भाई हमारा पैसा ये आदमी ने लिया उससे हमें पैसा निकाल के दे दो, तो वो आदमी अगर आपको सपोर्ट करता है तो आपका पैसा आपको मिल सकता है। तो यहाँ मंगल आपका जो पैसा रुक गया था वो मंगल आपको पैसा ला के दे सकता है। तो इसकी वो तरह तभी लगेगा कि मंगल मेरे मुझे बहुत मदद की, मुझे पैसा दिला के दे दिया। कुछ अरसे के बाद वही व्यक्ति जिसने आपको मदद की कि भाई मुझे पैसा दिलाने में मदद की, वही मंगल आपसे कुछ उधारी मांगता है तभी आप मना नहीं कर सकते, तभी आपको मन में लगता है कि मंगल मेरे लिए खराब काम कर गया। तो एक ही काम के लिए समय के लिए मंगल शुभ हो जाता है, वही काम के लिए जब वो पैसा मांगता है तभी मंगल अशुभ हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि एक ही कुंडली में कोई भी ग्रह संपूर्णतया शुभ या अशुभ नहीं होता है। समय के आधार पर हमें जो फल चाहिए हम अपनी अपेक्षा के हिसाब से वो ग्रह को डिसाइड करते हैं कि ग्रह शुभ है कि अशुभ है। जैसे कि मंगल यहाँ पैसा ढीला दिया तो हमारे लिए शुभ हो गया, वापस पैसा देना पड़ा तो अशुभ हो गया। तो उसी तासीर के हिसाब से ग्रह की शुभ अशुभ पर नक्की किया जाता है, नहीं कि जनरल क्लासिफिकेशन के हिसाब से कि शुभ है या अशुभ है। एक तासीर रहती है नैसर्गिक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ग्रह के दो तासीर रहती है, एक नैसर्गिक तासीर और एक कुंडली के हिसाब से। नैसर्गिक तासीर कि जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई स्टूडेंट है और टीचर्स को उसको पनिशमेंट देनी है तो गुरु वाला ग्रह क्या करेगा, उसको समझाएगा, क्योंकि गुरु का काम है समझाने का, नॉलेज देने का कंडीशन रहती है। और बुध का काम रहेगा कि चलो भाई उसे एक चिट्ठी लिख के दे दो पेरेंट्स पे कि भाई ये उसने ये कंप्लेन है, आप आके मिल के जाओ। शुक्र वाला उसे प्रेम से समझाने की कोशिश करेगा, चंद्र वाला और प्रेम से समझाने की कोशिश करेगा कि उसकी नैसर्गिक तासीर है। शनि वाला जो ग्रह रहेगा वो उसे पनिशमेंट करेगा क्योंकि शनि का काम है पनिशमेंट देना। मंगल वाला ग्रह रहेगा सिलेक्ट तमाचा मारेगा, बाद में शिक्षा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये उसकी तासीर है, वो तासीर जनरल तासीरों से, लेकिन वो तासीर का तात्पर्य एक ही हेतु एक ही होता है कि जैसे भी जो काम किया है उसे सही ढंग से किया जाए। तो गुरु और मंगल दोनों ग्रह की तासीर विद्यार्थी को सुधारने की कंडीशन में रहती है, लेकिन उसका काम प्रेम से समझाने का रहता है, इससे थोड़ा क्रोध गुस्सा करके समझाने की तासीर आ जाती है। तो इसी तरह देखा जाए तो नैसर्गिक तासीर जो है उसकी वजह से हमें लगता है कि ग्रह शुभ है या अशुभ है, अन्यथा वो ग्रह अपने नैसर्गिक तौर पे कभी भी अशुभ या शुभ नहीं हो सकते। जब भी कुंडली में उसका जब भी कोई भी स्थान ग्रहण करता है या उसकी लॉर्डशिप आ जाती है तभी वो ग्रह शुभ या अशुभ हो जाता है। दूसरी कंडीशन आ जाती है कि जैसे कि शनि जैसा ग्रह जिसे हम लोग अशुभ बोलते हैं, लेकिन वृषभ लग्न की कुंडली में शनि
योग कारक ग्रह हो जाता है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का स्थान का स्वामी बनता है, तो वहाँ अशुभ नहीं होता है। उसी तरह दूसरी कुंडली लगाते हैं, सपोज सिंह लग्न की कुंडली में तो वहां मंगल जैसा ग्रह केंद्र त्रिकोण का स्वामी बनने से अशुभ नहीं होता है। तो ये परिस्थिति आती है कि जहां मंगल जैसे ग्रह और शनि जैसे ग्रह राजयोग बना सकते हैं, लेकिन गुरु जैसा ग्रह कोई भी कुंडली में राजयोग नहीं बना सकता। आप कोई भी कुंडली में 12 लग्न की कुंडली बनाएंगे तो गुरु जैसा ग्रह कभी भी जो शुभ ग्रह माना गया है वो कहीं भी राजयोग बना नहीं सकता है कोई भी कुंडली में। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कुंडली का सही विश्लेषण करेंगे तो परिस्थिति होती है कि शुभ अशुभ का जो हमारा कंसेप्ट है वो सही मायने में होना चाहिए, तभी हम कुंडली के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी कंडीशन यह आ जाती है कि दृष्टि के बारे में। अभी बहुत सारी सिस्टम्स के अंदर दृष्टि देखा जाए तो अलग अलग तरह से दृष्टि योग आता है। निर्यन के हिसाब से अंशात्मक, क्रांति साम्या, ताजिक, जैमिनी, जहां तक निर्यन का पारासर वराहमिहिर का सवाल है कि हम यहाँ दृष्टि योग की बात करते हैं तो निर्यन दृष्टि योग की बात करते हैं कि जिसके अंदर हम बोलते हैं कि हर एक ग्रह अपनी सातवें भाव पे दृष्टि करता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है बहुत गलत है। कोई ग्रह कभी भी भाव पे दृष्टि नहीं कर सकता है। ग्रह हमेशा राशि में स्थित होते हैं और ग्रह हमेशा राशि को दृष्टि करते हैं और वो राशि जो भाव में जाती है वहाँ उसकी असर रहती है। तो कभी भी हम जो बोलते हैं कि ग्रह सातवें स्थान पर दृष्टि करता है या मंगल चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, आठवीं दृष्टि भाव पे करती है तो वो स्टेटमेंट सही नहीं है, वो गलत स्टेटमेंट है। ग्रह हमेशा राशि पे दृष्टि करता है और राशि जो भाव में जाती है वो हिसाब से उसकी दृष्टि। फॉर एग्जांपल कि शनि तीसरी दृष्टि करता है अपनी राशि से। शनि यहाँ मकर राशि में है तो उसकी तीसरी दृष्टि आएगी मीन राशि में यहाँ, और मीन राशि जो भाव में जाएगी वहाँ उसकी असर पहुँचेगी। शनि कि दसवीं दृष्टि मकर में से तुला राशि में जाती है और तुला राशि छठे भाव में गई तो वहाँ उसकी असर आएगी। तो यहाँ जो स्टेटमेंट बोला जाता है कि ग्रह हमेशा भाव पे दृष्टि करता है वो स्टेटमेंट गलत आता है। और वो स्टेटमेंट आने का कारण ये है कि हम लोग राशि और भाव के दोनों के औंश एक सरी के गिनते हैं, 30-30 खोखा कुंडली के हिसाब से गिनते हैं, वो हिसाब से गलत हो जाता है। सही तरह ये है कि ग्रह कहाँ भी है वो कौन सी राशि में उस राशि से उसकी सातवीं राशि कौन सी है और वो राशि कौन से भाव में स्थित होती है उसके पे उसकी असर जाती है। अगर ये चंद्र मीन राशि में है, शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि मकर में से मीन राशि में गई तो चंद्र मीन राशि में है तो शनि की असर चंद्र पे भी गिरेगी क्योंकि वो पूरी राशि को कवर करता है। तो शनि की दृष्टि मीन राशि में है तो मीन राशि के अंदर चंद्र पड़ा हुआ है तो उसको भी कवर करेगा। यहाँ तुला राशि में कोई ग्रह नहीं है तो पूरा तुला राशि छठे भाव में है तो ये भाव को भी असर करेगा तुला राशि के साथ, या 11 भाव को भी असर करेगा और चंद्र को भी असर करेगा क्योंकि वो चंद्रमा मीन राशि में स्थित है और शनि की तीसरी दृष्टि वो है। तो जब भी हम दृष्टि की बात करते हैं तो ये दृष्टि राशि के हिसाब से होनी चाहिए, भाव के हिसाब से नहीं। अभी उसका परिणाम यह होता है कि जब भी हम कुंडली बनाते हैं तभी एक कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम अंशात्मक के हिसाब से कुंडली बनाते हैं भाव के कंडीशन में तो कभी कभी
अभी देखिए ये कुंडली बनी अंशात्म के हिसाब से, अगर ये जीरो अंश एक अंश का लग्न बिंदु राइज होता है और ये 20 डिग्री का दूसरा भाव राइज होता है वृषभ राशि का, तो यहाँ सी राशि आ जाती है और ये यहाँ एक गलित राशि आ जाती है जो बोला जाता है कैंसर साइन। तो ये दो गलित राशि आ गई, ये दो गलित राशि आ गई तीसरे भाव में कर्क राशि और ये यहाँ कंडीशन में, और यहाँ से मैंने मंगल लिखा है यहाँ वृश्चिक राशि का, मंगल की आठवीं दृष्टि वृश्चिक में से मिथुन में जाती है, मंगल की आठवीं दृष्टि वृश्चिक में से मिथुन में जाती है, तो वो दृष्टि मिथुन राशि जो तीसरे भाव में स्थित है वहाँ उसकी असर करेगी। जहाँ तक हम जैसे खोखा कुंडली ढोते हैं तो मिथुन राशि यहाँ आ जाती है तो हम यहाँ दृष्टि करते हैं वो करते हैं, यहाँ मंगल आठवीं दृष्टि मिथुन राशि में जाती है तो मिथुन राशि में जो तीसरे भाव में गई तो वहाँ उसकी असर करेगी, ये कल परिस्थिति आ जाती है। तो वही हिसाब से देखा जाए तो परिस्थिति ये हो जाती है, तो मंगल दोनों भाव को यहाँ कवर करता है। अगर अंशात्मक के हिसाब से मंगल यहाँ लिखते हैं तो मंगल के सातवीं दृष्टि के हिसाब से वृषभ राशि, तो ये वृषभ राशि तो इसको यहाँ भी असर करेगी क्योंकि वृषभ राशि पहले भाव में स्थित है। तो राशि के हिसाब से ये ऑलवेज हमें दृष्टि कंसीडर करनी चाहिए, नहीं कि भाव के हिसाब से। तो ये परिस्थिति आ जाती है जब भी हम भाव और राशि को अलग करेंगे तभी ये मालूम हो जाता है कि भाव 30 डिग्री से ज़्यादा कम हो सकते हैं, और ये तभी हो सकता है कि जब हम टेबल्स ऑफ हाउसेस का उपयोग करेंगे तभी, और टेबल्स ऑफ हाउसेस के अंदर हम सिर्फ लग्न निकाल के 30-30 अंश के हिसाब से पूरा कुंडली बना दिया तो ये खोखा कुंडली हो जाती है। तो निर्यन दृष्टि के हिसाब से दूसरी कंडीशन आ जाए अंशात्मक दृष्टियोग। अंशात्मक दृष्टियोग की जो परिस्थिति है कि वो बताती है कि ग्रह की दृष्टि की जो पावर है शक्ति है वो कितनी मजबूत है, और उसके अंदर हमारा जो सर्कल है 360 डिग्री का उसके अंदर उसका डिवीजन किया जाता है, जिसके अंदर युति कंजंक्शन जीरो अंश 180 प्रतियुति ओपोजिशन, वन 120 डिग्री त्रिकोण ट्राइन, नाइन्टी डिग्री केंद्र योग, स्क्वेयर। साठ डिग्री त्रिएकादश सेक्सटाइल, और 150 डिग्री षडाष्टक क्विंटक्स। तो ये जो मैंने यहाँ दृष्टियोग बताया वो मेजर दृष्टियोग है कि अंशात्मक के अंदर से, और ये दृष्टियोग अपने निजन के अंदर भी आते हैं, जैसे कि शनि की तीसरी दृष्टि वो त्रिएकादश के अंदर सेट होती है, मंगल की चौथी दृष्टि 90 डिग्री की, और शनि की दसवीं दृष्टि वो भी 90 अंश केंद्र योग में आ जाती है, षडाष्टक योग मंगल की आठवीं दृष्टि में सम्मिलित हो जाती है, गुरु की 120 डिग्री त्रिकोण योग में सम्मिलित हो जाती है, और हर एक ग्रह अपने जो राशि में है उसके सातवीं स्थान राशि में दृष्टि करता है तो पूरी प्रतियुति ओपोजिशन हो जाती है, और दो ग्रह एक ही राशि में है तो युति के हिसाब से। तो ये जो दृष्टि योग है जो हम निर्यन में कंसीडर करते हैं वही दृष्टि योग है, लेकिन साइंटिफिक बेस पे लिया गया कि जो ग्रह जितना क्लोज
एक दूसरे से नज़दीक में रहते हैं अंशात्मक के हिसाब से, वो दृष्टि किया जाता है कि फॉर एग्जांपल कि अभी हम लिखते हैं 180 दृष्टि, सपोज मैंने यहाँ लिख दिया चंद्र एक अंश और सूर्य 29 डिग्री। अभी ये पॉइंट सपोज मैं 1 डिग्री और 29 डिग्री लिखता हूँ तो निरियन के हिसाब से समझे कि ये प्रत्युति है, निरियन के हिसाब से समझे कि प्रत्युति होगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने की राशि में है। तो निरियन में हम समझते हैं कि चंद्र सातवीं राशि में दृष्टि कर रहा है, सूर्य भी दृष्टि कर रहा है, तो पूनम का जन्म समझ के पकड़ के चलेंगे। तो जैसे हम यहाँ अंश लिखते हैं तो मालूम होता है कि दोनों एक दूसरे की सातवीं राशि में होते हुए भी, प्रतियुति में होते हुए भी अंशात्मक एक दूसरे से बहुत दूर है, अंशात्मक इससे बहुत दूर है। दूसरी तरह सपोज हम लिखते हैं कि मंगल 28 डिग्री का, गुरु 26 डिग्री का, तो यहाँ देखते हैं कि मंगल अपनी राशि से चौथी राशि में दृष्टि कर रहा है जहाँ गुरु स्थित है, और मंगल 28 डिग्री का भी है, गुरु 26 डिग्री का है, दोनों की डिग्री एक दूसरे के नज़दीक है, तो मंगल गुरु से केंद्र योग करता है और साथ में बहुत नज़दीक का हिसाब से क्लोज एस्पेक्ट में कर रहा है तो उसकी इफेक्ट ज़्यादा मिलती है क्योंकि दोनों अंशात्मक के हिसाब से एकदम क्लोज में है। और हम बोलते हैं कि यहाँ गुरु भी मंगल से के साथ केंद्र योग करता है तो ये जो मंगल गुरु के साथ दृष्टि करता है वो निरियन के हिसाब से दृष्टि आ जाती है, और ये जो केंद्र योग लिखा है कि गुरु और मंगल एक दूसरे के केंद्र योग में है क्योंकि यहाँ जो अंशात्मक में है उसमें हर एक ग्रह अंशात्मक के हिसाब से जुड़ जाते हैं। जहाँ निरियन के अंदर क्या होता है कि हर एक ग्रह की एक विशिष्ट दृष्टि दी गई है, जैसे मंगल गुरु शनि को, बाकी सब ग्रह अपनी जो राशि है वहाँ से सातवीं राशि में दृष्टि करते हैं, तो ये अंशात्मक में वो कंडीशन नहीं है। अंशात्मक में कोई भी ग्रह रहने दो, अगर वो अंशात्मक के हिसाब से किसी के साथ जुड़ गए, ये 6 मेजर एस्पेक्ट है, बाकी के बहुत सारे एस्पेक्ट है जैसे सेमी सेक्सटाइल है, सेमी स्क्वायर है, डिसाइल है, ट्राइडिसाइल है, क्विंटस है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट है, सेसी क्वाड्रेट है, क्विंटल है, बाई क्विंटल, बहुत सारे एस्पेक्ट है, लेकिन अगर ये दृष्टि के हिसाब से अंशात्मक के हिसाब जुड़ गए तो उसकी इफेक्ट मिलती है। फॉर एग्जांपल कि हम लोग यहाँ सोचते हैं कि ये अभी मैंने यहाँ राहु लिख दिया, निरियन के हिसाब से मंगल का यहाँ दृष्टियों की बनता है कि मंगल जहाँ पड़ा है वहाँ से जो राशि में पड़ा है वहाँ से चौथी सातवीं आठवीं राशि में दृष्टि करता है, तो ये मंगल राहु का दृष्टि नहीं कर सकता है निरियन के हिसाब से। लेकिन अंशात्मक के हिसाब से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज में है, राहु 25 अंश का है, मंगल 28 डिग्री का है, और ये दोनों एक दूसरे से ट्राइन एस्पेक्ट में आ सकते हैं। तो जब हम कुंडली देखते हैं तो सिर्फ निरियन के हिसाब से दृष्टियों देखेंगे तो फलादेश करने में दिक्कत आ सकती है, फलादेश सही तरह से नहीं जा सकता है। तो जब हम फलादेश करते हैं तभी अंशात्मक के हिसाब से भी जो दृष्टियों बनते हैं जो निरियन में नहीं दिखते हैं वो अंशात्मक दृष्टियों में दिख सकते हैं। तो जब भी कुंडली लिखते हैं तभी ग्रह के अंश लिखना जरूरी है, उससे मालूम हो जाता है कि कौन सा ग्रह कौन सी कंडीशन में साथ में है। दूसरी तरह से देखा जाए
सपोज मैंने यहाँ लिख दिया चंद्र सूर्य, तब बोलेंगे कि चंद्र पहले भाव में है, सूर्य बाद में भाव में है, उसमें दूसरे में एक दूसरे में कोई संबंध नहीं है। लेकिन जैसे मैंने सपोज यहाँ अंश लिख दिया, यह एक अंश और सूर्य के 29 डिग्री, और इसका मतलब क्या दिखता है कि जस शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई है, सूर्य से छुटकर चंद्र आगे बढ़ा हुआ है, तो ये कंडीशंस में ये शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई है। अगर ये मैं एक अंश निकल देता हूँ और 29 डिग्री दिखता हूँ तो ये मालूम नहीं होगा कि कंडीशंस क्या है। लेकिन जैसे मैंने 29 डिग्री लिखा और एक अंश लिखा तो दोनों के अंतर के बीच में सिर्फ 2 अंश का फर्क है, तो वो युति बोली जाती है, जो युति हमें निर्यन कुंडली में नहीं दिखती। अगर ये मैंने एक अंश निकाल दिया, 29 निकाल दिया, तो ये युति दिखेगी नहीं। लेकिन जैसे मैंने यहाँ डिग्री लिख दी तो वो यहाँ युति का परिणाम देगा, जो सामान्य तौर पे हमें निर्यन चार्ट में देखने को नहीं मिलती है कि सूर्य चंद्र ऐसे कंडीशन में आ जाए तो युति है कि नहीं। लेकिन जब हम अनुभव करते हैं कि जातक की कुंडली में सूर्य चंद्र के युति का परिणाम दिख रहा है, तो उसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि अगर हम ये अंश लिखते हैं तो मालूम हो जाता है कि कंडीशंस क्या बनती है। जैसे तो जब भी कुंडली लिखे तो ग्रह के साथ उसका अंशात्मक लिखना बहुत जरूरी होता है, कि जो ग्रह निर्यन दृष्टि योग में नहीं सम्मिलित हो जाती है, वो दृष्टि योग आपको अंशात्मक दृष्टि से इसके परिणाम में मिल सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये आती है कि जब भी हम अंशात्मक के दृष्टि हिसाब से देखा जाए तो ये बाकी की जो दृष्टि है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। खास तौर पर ये जो दृष्टि है ताजिक की और जेमिनी, वो एक अलग तरह से काम करती है, जो हम जनरली पारासर वारामीर के शास्त्र के अंदर सम्मिलित नहीं करते हैं, क्योंकि ताजिक की जो दृष्टि है वो प्रश्न कुंडली के द्वारा प्रश्न मार्ग में ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। उसके अंदर गुप्त दृष्टि, स्नेह दृष्टि, प्रत्यक्ष दृष्टि की कंडीशन आ जाती है, तो वो नहीं आ जाती है। जेमिनी की जो दृष्टि योग है वो जन्म कुंडली के साथ आ जाती है, लेकिन जेमिनी की जो दृष्टि योग है जनरली हम जब ये स्टडी करते हैं, अगर आगे रिसर्च के पॉइंट पर जाना चाहे तो ये फैक्टर्स भी हम लोग आगे ले सकते हैं। जेमिनी की दृष्टि योग अंशात्मक दृष्टि योग में जो होता है कि जब भी कोई ग्रह की कंडीशन देखते हैं कि युति का मतलब होता है कि दो ग्रह या एक से ज़्यादा ग्रह एक ही राशि में सम्मिलित हो, तो जनरली हम बोलते हैं कि युति। लेकिन जैसे यहाँ बताया गया कि दोनों ग्रह एक दूसरे की अलग राशि में है, चंद्र सपोज यहाँ मीन राशि में है और ये कुंभ राशि में है उदाहरण के तौर पे, तो हम बोलते हैं कि दोनों अलग राशि में है तो युति नहीं बोली जाती निर्यन के तौर पे। लेकिन अंशात्मक के हिसाब से ये दोनों के बीच में युति है, लेकिन ये जो युति है उसमें आसमान जमीन का फर्क ये हो जाता है कि ये दोनों की राशि अलग है फिर भी युति है। दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि ये जो कंडीशंस हैं यहाँ भी मैंने लिखा है कि सूर्य और चंद्र कुंभ राशि में स्थित है, सूर्य 27 डिग्री का है और ये 28 डिग्री का है, वो यहाँ भी शुक्ल पक्ष की एकम है। लेकिन ये युति और ये युति में फर्क है कि ये युति में दोनों ग्रह एक ही राशि में है, यहाँ युति है लेकिन दोनों ग्रह अलग अलग राशि में है, तो ये युति का फल अलग हो जाता है। एक राशि में युति का फल जो कुंभ राशि के हिसाब से है और यहाँ एक डिसएसोसिएट साइन के हिसाब से फल है, दोनों में बहुत आसमान जमीन का फर्क हो जाता है, क्योंकि राशि का तत्व स्वभाव और गुणधर्मों की इफेक्ट उसकी युति का परिणाम बदल देती है। तो ये जो महत्व है कि युति एक राशि में होना, युति दो अलग अलग राशि में होना, उसका आसमान जमीन का फर्क हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि जब भी हम ये दृष्टि को कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर राशि का तत्व और स्वभाव का भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जो जैसे बताया कि युति एक राशि या अलग राशि में हो सकती है, प्रतियुति हमेशा एक समान स्वभाव की राशि रहती है उसके सामने होता है। और जैसे कि यहाँ मैं
यहाँ मैंने गुरु लिखा है, केतु लिखा है और यह राहु लिखा है। गुरु राहु की प्रतियुति है यहाँ, तो दोनों का स्वभाव एक ही है, द्विस्वभाव राशि। तो प्रतियुति होने के लिए एक संभावना रहती है कि दोनों ग्रह एक ही स्वभाव में हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ लिखता हूँ मंगल, यहाँ लिखता हूँ मैं चंद्र, तो ये भी प्रतियुति जाती है। तो मेष और तुला चर राशि का स्वभाव में है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जब भी प्रतियुति लिखते हैं तो एक संभावना रहती है कि दोनों ग्रह एक ही स्वभाव की राशि में रहेंगे। तो जब भी हम कुंडली का अवलोकन करते हैं और जल्दी निराकरण देखना है कि उसका फल है इसमें, तो अगर हमें स्वभाव तत्व का ज्ञान हो राशि का, तो हम जल्दी पकड़ सकते हैं कि ये कौन से ये ग्रह किस तरह के दृष्टियों फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, वो कंडीशन में आ सकती है। लेकिन अगर ये मंगल मैं यहाँ लिखता हूँ 29 डिग्री का और चंद्र यहाँ 1 डिग्री का लिखता हूँ, तो ये एक स्वभाव में होते हुए भी वो प्रतियुति नहीं करेगी। ये यहाँ मैंने 29 डिग्री लिखा और ये 1 डिग्री का लिखा, तो ये मंगल और चंद्र रूल के हिसाब से एक ही स्वभाव की राशि में होते हुए भी सामने वो प्रतियुति नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ एक राशि की एंडिंग में है, एक राशि का बिगिनिंग में है। तो जब भी रूल के हिसाब से जाते हैं कि एक स्वभाव की राशि में आमने सामने प्रतियुति हो सकती है, वो तभी संभावना होती है कि दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे से नज़दीक हो। लेकिन एक ग्रह की एक राशि की शुरुआत में है, एक राशि के अंत में है, तो वो संभावना नहीं हो जाती है, प्रतियुति निवानी होती। तो जब भी हम हाउस लिखते हैं तभी मालूम होता है कि ये एक ही स्वभाव में होते हुए भी वो प्रतियुति नहीं होगी। उसी तरह जब भी हम केंद्र योग लिखते हैं तो केंद्र योग में भी एक ही स्वभाव की राशि काम कर जाती है। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया सूर्य, तो ये गुरु और सूर्य का केंद्र योग होएगा, दोनों की स्वभाव राशि एक ही है, द्विस्वभाव राशि। उसी तरह सपोज मैंने यहाँ शनि लिख दिया, तो ये दोनों की कंडीशन आ गई, तो इसका मतलब जब भी हम 90 डिग्री का और 180 डिग्री का जब भी देखते हैं तो उसका स्वभाव स्वभाव से संबंध आ जाता है, वो दृष्टियोग का संबंध सीधा स्वभाव से संबंध आ जाता है कि अगर एक ही स्वभाव की राशि में ग्रह है तो या तो वो युति कर सकते हैं, या तो प्रतियुति कर सकते हैं, या तो स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन ये एक सिंपल फॉर्मेशन में आ जाता है कि दोनों के ग्रह की नज़दीक एक दूसरे के साथ हो, और उसको बोला जाता है और लिप्ताओं सा। सामान्य तौर पे 5 अंश की दीप्ताओं सा दी जाती है दोनों ग्रह के बीच में कि ग्रह कितने नज़दीक है। अभी यहाँ मैं सपोज सूर्य लिखता हूँ 10 अंश का, शनि लिखता हूँ 12 अंश का, तो 10 में से 5 माइनस किया तो 5, प्लस किया तो 15, तो 5 से 15 के बीच में कोई भी ग्रह यहाँ रहेगा तो उसके साथ दृष्टियोग बना रहेगा। इसी तरह तो 12 अंश का शनि है तो वो असल में आ जाएगा, उसे बोला जाता है डिप ऑर्ब्स के अंदर। लेकिन अगर ये 12 अंश से ज़्यादा समझे 27 अंश है, शनि 27 अंश का है, तो ये ऑर्ब्स से बाहर हो गया, 5 के 15 अंश में नहीं है। तो एक स्वभाव की राशि में होते हुए भी वो केंद्र योग की इफेक्ट इतना स्ट्रांगली नहीं देगा, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस है अंशात्मक वो कम हो गई है, तो वो हिसाब से उसकी इफेक्ट वहाँ इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 10 अंश का 27 अंश का 17 अंश का डिस्टेंस है। ऑन एन एवरेज देखा जाता है कि 5 अंश प्लस माइनस करके अब लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है, कम से कम एटलीस्ट 3 अंश की देने चाहिए, लेकिन हम समझने के लिए 5 अंश प्लस माइनस करके देख लेते हैं। तो उसी तरह जब भी कोई भी ग्रह 90 या 180, तो उसका मतलब उसके पीछे ग्रहों के जो जो राशि में है वो राशि एक ही स्वभाव की राशि के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तभी एक कॉम्बिनेशन आ जाता है। त्रिकोण की दृष्टियोग ऐसे बनती है कि जब भी उसमें कोई राशि का समान तत्व शामिल हो जाता है, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अगर एक ही तत्व के स्वभाव की राशि के साथ अगर वो सम्मिलित हो जाते हैं ग्रहों की दृष्टि, तो उसका मतलब उसके पीछे एक ही तत्व काम कर रहा है,
यहाँ मैंने मंगल लिखा है वृषभ राशि में, गुरु लिखा है कन्या राशि में, और शनि लिखा है मकर राशि में। इसका मतलब कि एक दूसरे से त्रिकोण योग में पड़े हुए हैं, और इसके पीछे वृषभ, कन्या और मकर तीनों पृथ्वी तत्व की कॉमन राशि में है। तो त्रिकोण योग कभी फॉर्मेट होता है कि सबके तत्व एक हो जाए। केंद्र और प्रतियुति में क्या होता था कि स्वभाव की सामान्यता कंडीशन आ जाती थी, और यहाँ कंडीशन आ जाती है कि यहाँ तत्व एक ही कॉमन तत्व में वो दो ग्रह या तीन ग्रह, एक से ज़्यादा ग्रह त्रिकोण योग में सम्मिलित हो सकते हैं, ये त्रिकोण योग हो जाता है। और उसके अंदर भी अगर ये ग्रह सपोज जैसे डिग्री लिखा 29 डिग्री, ये दो डिग्री, तो ये त्रिकोण योग नहीं बनेगा। एक ही तत्व में होते हुए भी मंगल सपोज दो डिग्री का वृषभ का है और ये 29 डिग्री का है, तो वो त्रिकोण योग नहीं बनेगा, इवन वो एक ही तत्व की राशि में है। तो जब भी हम तत्व के हिसाब से देखते हैं तो हमें लगता है कि त्रिकोण योग होना चाहिए, लेकिन जब भी अंश के हिसाब से देखते हैं तो वो कंडीशन बदल जाती है, वो परिस्थिति वहाँ नहीं आ जाती है, वो सीधा षडाष्टक में चली जाती है एक ही तत्व में होते हुए भी। तो जैसे डी से एसोसिएट युति का बताया, उसी तरह डी से एसोसिएट ट्राइन फैक्टर्स का भी कंडीशन यहाँ एप्लीकेबल हो जाती है कि यहाँ ट्राइन नहीं बनता है लेकिन षडाष्टक बन जाता है। तो एक जनरल रूल रहता है कि त्रिकोण योग एक ही तत्व की राशि में बनते हैं, और षडाष्टक जैसे ये बताया कि एक का स्वभाव तत्व राशि अलग अलग रहते हैं, तो षडाष्टक की कंडीशन में आ जाती है। तो वो परिस्थिति यहाँ एक अंशात्मक के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा परिणाम बता सकते हैं कि ग्रहों के संबंध में युति है या केंद्र योग है। जो निर्यन के हिसाब से देखते हैं उसका ज़्यादा अंशात्मक माइक्रोस्कोप में जाने के लिए अंशात्मक दृष्टियों देखना जरूरी होता है। अभी तक हमने जो देखा निर्यन दृष्टियोग, अंशात्मक दृष्टियोग, अभी हम जो तीसरे पहलू में जाएंगे दृष्टियोग के, वो है क्रांति सम्य पहलू। खासतौर पे क्रांति सम्य का जो दृष्टियोग रहता है वो बहुत लोग को मालूम रहता है, वो सीधे निर्यन दृष्टियोग देख के जवाब दे देते हैं, लेकिन क्रांति सम्य योग ऐसे रहता है, दृष्टियोग रहता है कि जिसकी इफेक्ट जब तक हम उसमें स्टडी नहीं करेंगे तब तक मालूम नहीं होता। तो सबसे पहले समझ ले कि क्रांति है क्या। तो ये जो सेलेस्टियल इक्वेटर है, जैसे हमारा ज्योग्राफिकल इक्वेटर रहता है उसका सेम वे अवकाश में भी सेलेस्टियल इक्वेटर है, इसे विषुव बोला जाता है। और ये जो भ्रमण मार्ग है, ज्योतिष में हम बोलते हैं कि सूर्य का भ्रमण मार्ग, एक्चुअली पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, तो ये जो भ्रमण मार्ग है उसके सारे बार इक्वल भाग जो किया जाता है वो राशि बन जाती है। और विषुवत के जो पैरेलल जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो क्रांति है। अंग्रेजी में बोला जाता है डेक्लिनेशंस। और ये दो दिशाएं दिखाती है, नॉर्थ एंड साउथ। तो जब भी कोई ग्रह विषुव से समान अंश पे रहता है तो वो क्रांति सम्य दृष्टियोग में सम्मिलित हो जाता है, और उसकी असर बहुत अच्छी रहती है कि शायद वो इफेक्ट हमें निर्यन या अंशात्मक दृष्टियोग में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन क्रांति सम्य में योग में उसकी इफेक्ट देखने को मिल जाती है। कि कोई ग्रह फॉर एग्जांपल कि नॉर्थ 2 डिग्री है और दूसरा ग्रह साउथ 3 डिग्री है, तो ये शायद दृष्टियोग अंशात्मक में नहीं मिलेगा, निर्यन में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ दोनों के डायरेक्शंस अलग है, नॉर्थ एंड साउथ, और दोनों के बीच में एक ही अंश का अंतर है। क्रांति समय में मैक्सिमम हम लोग
एक अंश का प्लस माइनस दिक्कतों से ले सकते हैं। तो ये जो दृष्टि हो गए सामान्य तौर पे हमें यहाँ नहीं देखने मिलती है, लेकिन जातक को इसकी इफेक्ट देखने को मिलती है। तो दो जो जो दो दो ग्रह के बीच में ये युति होती है, दृष्टि होता है, उसकी इफेक्ट देखने को मिलती है। तो शायद ये दो एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। और ये क्रांति समय अपने जो योग दिया जाता है पंचांग के अंदर, वैज्योति एंड व्यतिपद योग, सूर्य चंद्र का जब भी वैज्योति व्यतिपद योग तभी होता है जब भी वो दोनों क्रांति समय में इक्वल हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी पंचांग के जो 27 योग है उसके अंदर वैज्योति व्यतिपद योग के जो कॉम्बिनेशन है वो बनाई जाती है। और 27 योग जो है विश्वकुंभ योग है उसके अंदर, उसमें जो वैज्योति व्यतिपद का जो क्रम है और ये पंचांग का वैज्योति व्यतिपद योग दोनों असमान है, दोनों अलग है, ये ध्यान में रखिए। तो क्रांति समय का योग के कॉम्बिनेशन में ये जो एस्पेक्ट बनते हैं वो जब तक हम उसके लिए वर्कआउट नहीं करेंगे तब तक उसे मालूम नहीं होता है कि क्रांति समय में योग आता है कि नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है कि जातक की कुंडली में दो ग्रह की इफेक्ट अपने को अनुभव होती है, लेकिन जब हम निर्णय के हिसाब से देखने को जाए या अंशात्मक के दृष्टियों के हिसाब से देखने जाए तो दोनों ग्रह का संबंध नहीं मिलता है। लेकिन जातक की कुंडली में उसका जातक का अनुभव होते रहता है कि कहीं ना कहीं ये दो ग्रह या एक से ज़्यादा ग्रह की इफेक्ट मिल रही है। तो उसके में वन ऑफ द रीज़न, एक कारण ये हो सकता है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्रांति समय का संबंधित हो सकता है और वो फैक्टर्स हो जाता है। बहुत टाइम आपने सुना होगा कि व्यतिपात व्यतिथि की विधि भी कराते हैं, उसके पीछे कारण ये होता है कि जातक का जन्म के समय ये सूर्य चंद्र का संबंध क्रांति से हुआ था। जरूरी नहीं है कि वो कंडीशन दूसरे अंशात्मक से मिल जाए, लेकिन ये क्रांति समय के कंडीशन डेक्लिनेशन इफेक्ट मिलती है। तो ये भी योग की कंडीशन मिल जाती है, जन्मकालीन में हो सकती है, गोचर में भी हो सकती है, प्रोग्रेस में भी हो सकती है, लेकिन ये सिचुएशन की इफेक्ट भी जातक को मिलती है। तो जो जो दृष्टियों का आज हम जो विवरण कर रहे हैं यहाँ, उसके अंदर ताजिक जमीनी आज नहीं ले रहे हैं कि ताजिक का जो संबंध है वो प्रश्न कुंडली के साथ संबंध रखता है। जमीनी पाराशर वरामी से टोटली अलग है, जिसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, उसकी राशि दृष्टि संबंध अलग है। तो ये दो को छोड़ के आज जो तीन दृष्टियों का संबंध किया हमने कि एक निर्यन की सबसे दृष्टियोग क्या आता है, अंशात्मक दृष्टियोग क्या आता है। अंशात्मक के अंतर जैसे हमने यहाँ पाँच अंश का ऑर्ब रखा था, क्रांति समय में हम लोग ने एक अंश का ऑर्ब रख के सम्मिलित करना चाहिए। तो ये क्रांति समय योग कंडीशन इफेक्ट होती है। कभी कभी क्या होता है कि एक ग्रह लग्न या दशम के साथ भी क्रांति समय कर सकता है, तो उसकी इफेक्ट भी मिलती है। कभी क्या होता है कि सिर्फ ग्रह और पर्टिकुलर भाव के साथ उसका क्रांति समय योग हो सकता है, तो उसकी भी असर देखने को मिलती है। तो ये जो सिचुएशंस है फलादेश के अंदर, जैसे ये पॉइंट लिखे हुए हैं कि हाउसेस प्लैनेट्स एस्पेक्ट, तो ये पॉइंट हमारा था एस्पेक्ट के बारे में कि जनरल तौर पे एस्पेक्ट को कैसे देखा जाए। तो जब तक ये तीनों का सम्मिलित नहीं करेंगे तब तक अपना दृष्टियोग का चैप्टर खत्म नहीं हो सकता है। ये तीनों को सम्मिलित करना चाहिए, परिस्थिति आती है। दूसरी परिस्थिति आती है नक्षत्र। नक्षत्र दो तरह के रहते हैं, एक स्थिर तारा और एक विभात्मक डिविजनल स्टार। डिविजनल कंडीशन में आ जाता है कि डिविजनल की सिचुएशन में पूरा नक्षत्र का संबंध रहता है। और ये डिविजनल कंडीशन ऐसी है कि जैसे ये क्रांतिवत बताया था, तो ये 12 भाव है वो एक राशि के हिसाब से, और यहाँ से मेष राशि शुरुआत होती है। जैसे सूर्य 21-22 मार्च को सूर्य यहाँ आता है तभी मेष राशि शुरुआत होती है, लेकिन हमारी जो मेष राशि है वो अश्विनी स्टार से स्टार्ट होती है, अश्विनी नक्षत्र। और अश्विनी नक्षत्र जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हमारी मेषारंभ स्टार्ट होती है। तो आज की तारीख में ये विस्तृत पे यहाँ मेष राशि निर्णय के हिसाब से अश्विनी नहीं है, तो अश्विनी का जो नक्षत्र है वहाँ से अपनी मेषारंभ स्टार्ट होती है। और हम लोग नक्षत्र के हिसाब से 27 नक्षत्र का उपयोग लाते हैं, और उसके साथ दूसरा एक नक्षत्र है अभिजीत, जिसका भी हम लोग उपयोग करते हैं अभिजीत नक्षत्र के साथ, जो भविष्य में अपना उत्तर ध्रुव बनने वाला है। तो ये अश्विनी से अपना मेषारंभ स्टार्ट करते हैं। तो निर्यन राशि चक्र है वो नक्षत्र आधारित है, सायन का जो राशि चक्र है वो राशि के हिसाब से आधारित है। ये राशि चक्र सायन का राशि चक्र और नक्षत्र राशि चक्र के कंडीशन दोनों भिन्न है, लेकिन एक समय पे
एडी 292 के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट दोनों साथ में थे, सायन राशि आरंभ और अश्विनी का तारा दोनों एक ही जगह थे, और जैसे जैसे पिसिस और इक्विनस के हिसाब से ये अंतर बढ़ते गया तो आज की तारीख में ये अंतर करीबन 24 अंश के ऊपर गया हुआ है। तो ये दोनों कारम के बीच में आज 24 अंश का अंतर है और धीरे धीरे वो अंतर बढ़ते जाएगा। तो ये अंतर के अंदर अपना जो जब हम निर्यन की बात करते हैं तो जब तक हम नक्षत्र का उपयोग नहीं करते तब तक अपना सिर्फ राशि के आधारित निर्यन ज्योतिष कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। तो नक्षत्र का उपयोग हमें करना चाहिए और नक्षत्र का उपयोग जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं दशा के हिसाब से। हमारी जो भी दशा का जो कैलकुलस निकालते हैं वो नक्षत्र आधारित दशा निकालते हैं। दूसरा उपयोग करते हैं मुहूर्त के लिए। तो नक्षत्र का उपयोग बहुत सारी चीज़ में हम लोग उपयोग करते हैं लेकिन शुरुआत होती है दशा के हिसाब से कि कौन सी दशा चल रही है। तो चंद्रमा जब भी जन्म कुंडली अंदर के जो नक्षत्र के अंदर है वो हिसाब से उसकी दशा गिनी जाती है। तो यहाँ जब भी हम ज्योतिष का बिगिनिंग करते हैं सीख रहे हैं तो नक्षत्र का ज्ञान होना जरूरी है और ख़ास तौर पे राशि और नक्षत्र एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक राशि एक साइन 30 अंश की होती है और एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला 360 का सर्कल है और 27 नक्षत्र है तो बराबर 13 अंश 20 कला के एक नक्षत्र होता है और एक साइन 30 अंश की होती है। तो एक साइन के अंदर 2.25 नक्षत्र सम्मिलित हो जाते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं कि ये कुंडली रखते हैं तो ग्रह कौन सी राशि में है साथ में कौन से नक्षत्र का है वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो जब भी कुंडली पूरा विवरण साथ में आ जाता है एक जनरल तौर पे कि ग्रह कौन सी हाउस में है कौन सी साइन में है कौन से एस्पेक्ट के साथ कनेक्टेड है कौन सा नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है। उदाहरण तौर पे एक देखेंगे कि ये कंडीशन क्या बन रही है। और सपोज मैंने ये लिखा गुरु 19 डिग्री का, अभी मुझे देखना है कि गुरु की परिभाषा क्या है कुंडली के हिसाब से। तो अगर मैं गुरु लिखता हूँ तो गुरु सातवें भाव में है, 7 और 10 का मालिक है, उसकी दृष्टि राशि के हिसाब से ग्यारहवें भाव में, पहले भाव में और तीसरे भाव में राशि के हिसाब से उसकी दृष्टि जा रही है। ये जो नक्षत्र यहाँ आता है पूर्व साढ़ा नक्षत्र, और इसका मालिक होता है शुक्र। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो इसका भी विवरण आते जाएगा, लेकिन अगर हमें पूरी परिभाषा लिखनी है गुरु की तो गुरु कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ का मालिक है, राशि के तौर पे हुआ कहाँ दृष्टि कर रहा है और कौन सा नक्षत्र के अंदर है, बाद में और भी आगे बढ़ते जाएगा। साथ में देखना जाएगा कि गुरु कौन से ग्रह के साथ संबंधित में है तो वो भी देखें कि यहाँ लोगों तो मैंने राहु लिख दिया आज 12 अंश का, यहाँ केतु लिख, यहाँ हर्षल लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि गुरु के साथ केतु है, गुरु राहु पे दृष्टि कर रहा है और हर्षल पे भी दृष्टि कर रहा है।
तो गुरु कौन से ग्रह के साथ संबंध रख रहा है कुंडली के अंदर, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो जब हम गुरु के बारे में देखना चाहे तो ये पूरा देखना चाहिए, साथ में शुक्र का जब हम आगे देखेंगे तभी आएगी परिस्थिति की, सुखी की परिस्थिति क्या है। लेकिन ये सामान्य तौर पे ये परिस्थिति भूलनी नहीं चाहिए। तो हर एक ग्रह कौन से नक्षत्र के अंदर आते हैं वो जानना जरूरी है। जब तक हम नक्षत्र का उल्लेख नहीं करते तब सिर्फ अगर भाव लेते हैं, राशि लेते हैं, ग्रह लेते हैं, दृष्टि लेते हैं, अगर ये चैप्टर भूल जाते हैं तो इसका मतलब हम लोग फला देश के अंदर ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये जो परिस्थिति है विवाहात्मक नक्षत्र होते हैं कि जिसके अंदर पूरा जो जोड़ियाक है उसको 27 नक्षत्र के अंदर बांटा गया है। अभी नक्षत्र का मीनिंग क्या होता है कि चंद्रमा एक दिन में जो भाग में रहता है उसे नक्षत्र बोला जाता है, और हर एक नक्षत्र की जो तारों की परिस्थिति है वो अश्विनी से भरणी, भरणी से कृतिका, कृतिका से रोहिणी, रोहिणी से मोक्षीष, हर एक का अंतर देखेंगे एस्ट्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू तो एक सरीखा मिलेगा। तो इसका कहने का मतलब कि ये जो 27 बेल्ट है नक्षत्र के झुमके योग तारा, उसके अंदर चंद्रमा रहता है, और वो जब भी चंद्र जो रात एक दिन में रहता है वो पूरा भाग नक्षत्र का हो जाता है। तो ये बोलते हैं डिविजनल स्टार, डिविजनल नक्षत्र विवादात्मक, एक शरीर के 13-20 करा के नगर, दूसरे रहते स्थिर तार, स्थिर तारा फिक्स स्टार, फिक्स स्टार ऐसे रहते हैं कि जो पर्टिकुलर राशि के साथ डिग्री के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि अलगोल, फेमल अलर्ट, तो वो पर्टिकुलर तारा उसके डिग्री के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, यहाँ डिवीजन के साथ कनेक्टेड है। तो हमेशा ऑलवेज ध्यान रखिए कि हम जो यूज़ करते हैं ये डिविजनल नक्षत्र यूज़ करते हैं, फिक्स स्टार यूज़ नहीं करते। फिक्स स्टार की कंडीशन जब भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हम सीखेंगे तो तभी वो कंडीशन आती है साइन एस्ट्रोलॉजी में। यहाँ हम जो कॉम्बिनेशन लेते हैं कि पर्टिकुलर कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र के अंदर है वो 13-20 कला का कंडीशन। आज कोई बोलेंगे कि अनुराधा नक्षत्र क्या है तो हम लोग बोलते हैं कि निर्यन के अंदर उसी के अंदर 3-20 से लेकर 16-40 तक है, लेकिन साइन के अंदर देखा जाए तो करीबन वो वृश्चिक के धन राशि में 4-5 डिग्री के अंदर उसका अंतर पड़ जाता है। तो वो डिग्री वो पर्टिकुलर डिग्री पे हो जाता है और ये कंडीशन यहाँ आ जाती है। जैसे हम बोला जाता है कि चित्रा स्वाति 13-20 का अंतर है लेकिन साइन के अंदर दोनों के बीच में 1 अंश का अंतर है। तो कहने का मतलब कि स्थिर तारा, फिक्स स्टार और ये दोनों अलग है, और हम ये जो उपयोगी करते हैं कि ये नक्षत्र डिविजनल स्टार के हिसाब से यूज़ करके आगे बढ़ते हैं। तो आज हम यहाँ ही ख़त्म करेंगे, अगले एपिसोड में हम आगे दूसरे आगे बात करेंगे।